गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन. वी हैव कंटिन्यू आवर चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 इन मैथ्स. ठीक है, ऑर्डरिंग नंबर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स गोइंग अप, इट इंडिकेट इंक्रीजिंग. डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन. ये देखिए, ये कम गोइंग अप जा रहा है और ये गो कमिंग डाउन. ठीक है, इट इंडिकेट डिक्रीजिंग. असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग. ठीक है, ये देखिए, नंबर 9, 25, 43, 58, 76 एंड 90 इंक्रीज हो रहे हैं ना नंबर. ठीक है, इंक्रीज मतलब आप ऊपर बढ़ रहे हो. 98, 85, 69, 87, 24, 8. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जब हम वापस आते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. देखिए, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इसको हम लोग को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको लिखना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिक्रीजिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अच्छा, फर्स्ट वाले में क्या होगा, सबसे पहले किस नंबर को लिखेंगे आयशा, ये वाला बताओ, ए वाला. इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले कौन सा नंबर लिखोगी? नो बेटा, उससे भी छोटा एक नंबर है, 8. आफ्टर 8 19. वेरी गुड सानिध्य. 19 के बाद 25 के बाद, गुड मॉर्निंग, 63. 63 के बाद 72. ओके आयशा एंड प्राची, क्लैप फॉर सानिध्य. सानिध्य गुड बेटा, वेरी गुड. और सेकंड वाले में इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे सेट करोगी आयशा? 9. सानिध्य इट्स चीटिंग, अभी आयशा की टर्न है ना. 17, फिर 17 के बाद 18. यहाँ पे कौन सा नंबर लिखोगी? हाँ, 18. जोर से बोलो. वेरी गुड, 76. आफ्टर दैट, आफ्टर दैट 88 के बाद क्या लिखोगी? 9393. वेरी गुड. अच्छा, नाउ इन लास्ट वाला अपने आप कर लेंगे सब बच्चे. ये सम्स आपको बुक्स में भी करने हैं और कॉपीज में भी. ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर प्राची, डिक्रीजिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, बड़े नंबर से छोटा नंबर. सबसे पहले कौन सा नंबर लिखोगी इसमें से? वेरी गुड. आफ्टर दैट 74 के बाद 61 के बाद 59 के बाद 49 के बाद 30 30. डिक्रीजिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. ठीक है, नंबर सीक्वेंस, क्लास वर्क विल डन इन योर बुक ओनली. बुक में अभी आपको क्या क्या करना है इसको देखिए. फॉरवर्ड काउंटिंग, 45 के बाद क्या आएगा सब बच्चे मिलके बताइए. 46, फिर
47 फिर। हाँ जब तक लास्ट नंबर नहीं आया बोलते जाइए। 48 के बाद 49, 49 के बाद 50 के बाद 51, 52, काउंटिंग करते जाया करिए, एक-एक पूछना नहीं पड़े। 32, 33 बोलिए मेरे साथ, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ऐसे बस फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है आपको, ठीक है? काउंट बैकवर्ड, बैकवर्ड 59 के बाद, 58, 57, बैकवर्ड काउंटिंग है ना, 56, 55, 54, 53, 52, 85, हाँ वेरी गुड, 83, नो बैकवर्ड काउंटिंग है ना, 88 कहाँ से आ जाएगा? हाँ 84, 83, 82, 81, 80, 79 और 78। फिल इन द मिसिंग नंबर बाय काउंटिंग इन, टूज में काउंटिंग हो रही है, 4, 6, 8। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्किप काउंटिंग चल रही है टूज में, क्या लिखना? 10, 10 के बाद 12, नो 11, स्किप काउंटिंग है ये, काउंट इन टूज, 1, 4। आप क्या लिखेंगे? हाँ देन वेरी गुड, काउंट इन 3s, 9, 12, 15। अब नो बेटा 18, 3s है ना, 16, 17 दोनों नहीं लिखेंगे। देन 21, हाँ 24, फिर वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को आ गया। फिर 30 और फिर 33, ठीक है? काउंट इन 5 कर लेंगे ना, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। ओ वेट अ मिनट, हाँ इसी तरह 10, 20, 30, फिर 10 और काउंट करने के, इतना लिखेंगे। हाँ 40, देन 50 के बाद, 60 के बाद, हाँ 70, 80 और फिर 90, ठीक है? अब देखिए फॉर्मेटिंग टू डिजिट नंबर्स गिविंग यूजिंग द गिवन डिजिट, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंज द डिजिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करके हम लोग स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर बना सकते हैं। ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग डिजिट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना के कर सकते हैं। दस यूजिंग 4 and 1, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 14। ऑफ ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 41। व्हेन द डिजिट कैन बी रिप्लेस्ड, द नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 4 and 1, व्हेन द डिजिट
can be replaced 11, 14, 41 and 44. The smallest of these number formed obtained by repeating a smaller digit, that is 11. The greatest four digit form obtained repeating the greatest digit 44. Note, if one of digit is 080, then the number 80 is formed. Also, repetition is allowed. Then 88 is formed. But 00 and 08 are not two digit number. 00 or 08 aapka two digit number nahi hai. Write the smallest two digit number formed using the following digit. Repetition is not allowed. हमको कोई नंबर रिपीट नहीं करना, इससे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर बनाना है. क्या हो जाएगा? 16 खुद ही हो जाएगा ना. इससे बनाना है तो पहले 4 लिख देंगे स्मॉल नंबर, फिर 9 लिख देंगे. ठीक है, अब 3, 5 में भी यही करेंगे. 3 स्मॉल है, 3 को पहले लिख देंगे, 5 को बाद में लिख देंगे. इस तरह देखिए अब क्या है. राइट द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. कोई नंबर हम रिपीट नहीं कर सकते. तो 4343 ग्रेटेस्ट हो जाएगा क्योंकि 3, 4 स्मॉलेस्ट होगा. इसमें भी 9, 7 होगा ग्रेटेस्ट क्योंकि 7, 9 स्मॉल हो जाएगा. और यहाँ पे भी 3, 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट, स्मॉल नहीं रहेगा. राइट टू डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट. द डिजिट कैन बी रिपीट. टू डिजिट नंबर बनाना है, कितनी बन सकते हैं देखिए. 4, 4, 44, 4, 5, 45 और लास्ट आपकी क्या बन जाएगी, 5, 4, 54 और 5, 5, 55. देखिए चार डिजिट बन गई ना. सबसे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हमने बना दिए क्योंकि इन्होंने कहा द डिजिट कैन रिपीटेड, हम रिपीट कर सकते हैं. इसी तरह 7, 0, इसका कुछ और ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अगर आप 0, 7 लिखते हैं तो ये सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख सकते. 00 आप लिख नहीं सकते, ठीक है. इसका इसलिए सिर्फ 7, 0 बनेगा. अच्छा, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट. द डिजिट कैन बी रिपीटेड. द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 96. क्यों 99 करेंगे ना. द डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीट कर सकते हैं. ग्रेटेस्ट 99 बना दे रहे हैं, हाँ, और स्मॉलेस्ट 66 बना दे रहे हैं, ठीक है. इसमें ग्रेटेस्ट 81 बना देंगे, स्मॉलेस्ट 18 बना देंगे. लेकिन इन्होंने कहा है द ग्रेटेस्ट, वो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बन गया. उन्होंने डिजिट रिपीट करने को कही थी, हमने रिपीट कर दी, ठीक है. राइट द नंबर इन वर्ड्स, इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हैं. इसकी स्पेलिंग लिखनी है. 64, 60+4 ये एक्सपेंडेड फॉर्म है. ये सब आपका पड़ा हुआ है. स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखना है, ये जितने हैं बीट्स में. फिर वर्ड फॉर्म स्पेलिंग लिखनी है. एक्सपेंडेड फॉर्म में कितने टेंस और वंस प्लस हो जाएंगे, कितने टेंस और वंस हैं वो आपको लिखना है. कंपैरिजन करना है, यू कैन डू इट.
increasing order is smallest to greatest. Take the correct option. Which of the following showing the number increasing order? Increasing order कौन सा show कर रहा है? How many 6 tens are 60? बताइए. How many tens are 60? 6 tens are 60. Which of the following abacus 34 जिसमें आप उसको टिक कर लीजिए, नीचे लिख दीजिए. I am number greater than 7 10 plus 5, less than 10 I am, ये आप करिए. Circle the word that is the same as 7 tens. इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है. My 10 place has the same challenge. Challenge is for you. अच्छा, choose the correct number from the given help box. Write the number in words beside it. Question. The number of player in cricket team. Cricket team में कितने players होते हैं? हाँ? 11. ओके, कितने नंबर होते हैं क्रिकेट टीम में? 11. हाफ सेंचुरी में कितने होते हैं? चलो ठीक है बेटा, आपके नेटवर्क की दिक्कत होगी. हाफ सेंचुरी में कितने होते हैं? 50. नंबर ऑफ टीथ इन नॉर्मल एडल्ट पर्सन 32. नंबर जस्ट बिफोर 80, 80 से बिफोर नंबर कौन सा होगा इनमें से? द सम ऑफ द डिजिट 9 इज 5 प्लस 4 9. इसको मैचिंग करना है. कलर द फिफ्थ बर्ड. फिफ्थ बर्ड आपको करनी है, आपको लेफ्ट टू राइट आना पड़ेगा, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड. डू योर वर्क इन कॉपी. कॉपी में आपको क्या क्या करना है? रिवीजन एक्सरसाइज वगैरह मत करिएगा. ये फोर्थ ए पूरा कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, जो जिसको मैंने टिक किया है वो सब वर्क आप कॉपी में करेंगे. ओके ओके चिल्ड्रन, गुड डे. गुड डे बेटा.